नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एसके शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए बहुत से उपाय और टोटके लेकर आते हैं। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे ग्रह क्लेश खत्म करने के उपाय और टोटके के बारे में, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे घर में बहुत सी अड़चनें आती रहती हैं और हमारे घर में क्लेश भी रहता है। आज हम बताएंगे आपको ग्रह क्लेश को खत्म करने के और परिवार में सुख शांति लाने के कुछ उपाय के बारे में। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। प्रातः भोजन बनाते समय पहली रोटी बनाने के बाद उसके 4 बराबर टुकड़े कर लें। उसमें से एक टुकड़ा गाय को और दूसरा काले रंग के कुत्ते को तथा तीसरा टुकड़ा कौवे को खिला दें, जबकि चौथे टुकड़े को चुपचाप किसी चौराहे पर रखकर पीछे मुड़े बिना वापस लौट आएं। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सुख शांति बनी रहेगी। अकारण ही ग्रह क्लेश रहता हो तो शनिवार के दिन गेहूं पिसवाते समय किसी को बताए बिना उसमें थोड़े से काले चने भी मिलाकर पिसवा लें और उस आटे की रोटी को प्रतिदिन खाएं। ग्रह क्लेश में कमी आने लगेगी और खत्म होता चला जाएगा। गुरुवार और शनिवार के दिन पीपल पर जल चढ़ाकर गरीबों को श्रद्धा अनुसार दाना देने से घर परिवार में सुख शांति आती है और ग्रह क्लेश दूर होता है। रात्रि में सोने से पहले एक कटोरी में जल, एक लाल गुलाब और कुमकुम तथा थोड़े से साबुत चावल देकर पास में रख लें और सुबह के समय मंदिर के पुजारी को दान कर दें, परिवार में शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो हमारे एसके शास्त्री जी ने बहुत ही कड़ी तपस्या से आप तक पहुंचाए हैं। अगर आपको इस उपाय को करने में कोई दिक्कत या परेशानी आई या फिर कोई भी लाभ ना मिल रहा हो तो बिना देर किए हमारे एसके शास्त्री जी से संपर्क करें, वह आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। जय माता दी।